औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी चंद्रकांत खैरे यांची नक्कल उडवली। जालन्यात इम्तियाज जलील यांच्या इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्यावेळी रात्री उशिरा त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं। यावेळी पुतळ्याला माझा विरोध असून 1-1 कोटी रुपये फक्त पुतळ्यांवर खर्च करतात। यावेळी आमच्या जिल्ह्यातला एक नेता म्हणतो की तू कशाला विरोध करतो असं म्हणत चंद्रकांत खैरेंची नक्कल उडवली। त्याच सोबत पुतळा बनवायचा असेल तर मी 5 लाख देतो, तुम्ही किती देणार असं म्हणत खैरेंची टिंगल देखील इम्तियाज जलील यांनी उडवली। कि पुतले के ऊपर किसी के स्मारक के लिए ऊपर खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि स्कूल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, अनाथ आश्रम बनाओ। हमारे जिले में एक नेता है, तू कसा विरोध करतो काय तू कोण? अरे म्हटलं मी खासदार आहे ना। मैंने फिर एक टीवी डिबेट के अंदर बैठा और मैंने कहा कि ठीक है साहब, अगर पुतला बनाना है तो 1 करोड़ रुपया उन्होंने महानगर पालिका से सैंक्शन किए। मैंने कहा कि साहब 1 करोड़ का पुतला नहीं बनेगा, 2 करोड़ का पुतला बनेगा। बोले कैसा? मैं कहा उस पुतले के लिए 5 लाख रुपये मैं अपने जेब से देने के लिए तैयार हूं, तुम कितने अपने जेब से देने के लिए तैयार है? नेता अपने जेब में हाथ डालकर कभी देता है क्या? और वो भी वो नेता। मैंने कहा कि 5 मैं देता हूं, तुम बोलो तुम कितना देंगे? वो आखिरी दिन था, ना पुतले का जिक्र है ना उस पर कोई चर्चा है। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को भी कह रहा हूं, माजिद भाई, जब भी कोई इस तरह का प्रपोजल आया, आप सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बोलना ये लो मेरी तरफ से 2 लाख रुपए, तुम्हारी तरफ से बताओ कितना, वो मामला खत्म हो जाएगा और वहां पे हॉस्पिटल बनेगा या आपको वहां पे स्कूल बनने को मिलेगा। आम लोगों को बोलने की जरूरत है और आप लोगों को बोलना चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं जब जालना के अंदर एंटर हुआ तो जिस जोश के साथ यहाँ के नौजवानों ने इस्तेमाल किया, जो पटाखे फोड़े, जो फूलों से मेरा स्वागत किया, रास्ते में आते आते सोच रहा था अगर असद साहब इजाजत दे तो जालना से ही इलेक्शन लड़ लेंगे।